हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के कहने पर ही आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, दैट इज ओनली फॉर जॉब नोटिफिकेशन। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, लाइक आपके ट्वेल्थ बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भी, आपके ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर करी जाती हैं, बट आपको पता नहीं चलता तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैंने इस चीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड चैनल बनाया आप लोगों के लिए, दैट इज ओनली फॉर जॉब नोटिफिकेशन। तो योर ड्रीम जॉब करके चैनल है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आपको मैं हर तरह की जॉब का अपडेट देता रहूंगा। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज में हर तरह की जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, अब चलते हैं अपने मेन कंटेंट पे, दैट इज कि जो एग्जाम होने वाला है एनटीए का, एनटीए यूजीसी नेट का, वो अब कब होगा। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि एग्जाम कभी भी फेस्टिवल डेज में नहीं हो सकते हैं, एग्जाम संडे को लिए जाते हैं, कई बार एग्जाम संडे को हुए हैं यूजीसी नेट के, लेकिन कभी भी एग्जाम फेस्टिवल डेज पे नहीं रखे जाते हैं। और ऐसे में अक्टूबर का जो मंथ है आपका 17 से 25 अक्टूबर, जो कि आप एग्जाम होने वाले थे, इस डेट को तो एग्जाम होने ही नहीं है बिकॉज पोस्टपोन किए जा चुके हैं। और अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के एंड की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें 26, 27, 28 की, तो ऐसे में इन एग्जाम को कराना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर एग्जाम कराने ही होते तो वो इसी सेशन में ही ले लेते, थोड़ा सा आगे डेट बढ़ा करके, बट वो अक्टूबर के मंथ में कराने के मूड में नहीं है। नवंबर की अगर हम बात करें, तो स्टार्टिंग के नवंबर के डेज में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के डेज है, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरक चतुर्दशी है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इसके अलावा छठ पूजा, बहुत सारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, लाइक जो अपना बिहार स्टेट है, इसके इसके साइड की जितनी भी पॉपुलेशन है, इस फेस्टिवल को बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे में 10 नवंबर तक एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फेस्टिवल वाले डे पे एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं। गाइस, मैं कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोज है, मैंने हर वीडियो में अपने फैक्ट को दिखा करके ही बात करी, कभी भी किसी भी वीडियो में हवा में बात नहीं करी, ऐसे ही अहम ही बात नहीं करी, हमेशा कोई ना कोई मेरे पास एविडेंस, कोई ना कोई फैक्ट होता है जिसके बेस पे मैं बात करता हूँ। सो गाइस, अगर आपको फैक्ट बेस्ड वीडियो पसंद आती है, मेरा काम किया हुआ पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज में हर एक तरह की जो वीडियो है, जो कि फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, जो कि ओनली ट्रू फैक्ट बेस्ड जो है वीडियोज, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा करवाया जाना। तो ऐसे में जो एग्जाम है वो मिड नवंबर, मतलब 10 से 15 नवंबर के बाद, 10 से 15 नवंबर, और 15 नवंबर के बाद से ही मोस्ट प्रोबेबल डेट है आपकी, 15 नवंबर के बाद से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, एक तो चांस ये है। और इसके अलावा एक चांस गाइज और है कि जैसे लास्ट टाइम किया गया था कि दो अटेम्प्ट मर्ज कर दिए गए थे, तो ऐसे में एनटीए ये काम भी कर सकता है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर वाला, उसके फॉर्म दोबारा से रीओपन करके तीन अटेम्प्ट एक साथ मर्ज करके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएं। बिकॉज अगर वो अभी एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं तो फिर दिसंबर 2021 जो नेक्स्ट साइकिल है उसका बर्डन इनके ऊपर बढ़ जाएगा, और फिर कभी भी जो इनका काम है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा, बर्डन बना ही रहेगा एक के बाद एक एग्जाम का। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो इस वाले एग्जाम के जो फॉर्म है वो फिल करवा के दोबारा से एग्जाम करवा ले और तीनों अटेम्प्ट मर्ज कर दे, तो ये एक पॉसिबिलिटी। और ऐसा होता है तो एग्जाम फिर आपका दिसंबर के मंथ में ही जाकर के होगा, फिर आपका एग्जाम नवंबर में नहीं होगा। तो अगर 15 नवंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आई मीन 15 नवंबर से अगर एग्जाम होने होंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा आने वाले 1 से 2 वीक में पता चल जाएगा, अराउंड 1 वीक में ही पता चल जाएगा, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके नवंबर में एग्जाम होने। अगर ये इन्फॉर्मेशन 7 से 10 दिन के अंदर नहीं आती है, तो ये मान के चलना कि एग्जाम दिसंबर में ही होगा, और वो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को फॉर्म फिल करवा करके एग्जाम लिया जाएगा। अब गाइज, आपके पास इनफ टाइम है, अगर नवंबर में भी एग्जाम लिया जाता है तो आपके पास 30 डेज है, आपके पास 30 दिन है प्रिपेयर करने के लिए। तो किस तरीके से प्रिपेयर करें एग्जाम, क्या करें ऐसा कि जो हमारा एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, तो गाइज मैं आपको बता दूं, 30 डेज बहुत होते हैं, 30 डेज इनफ होते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं, लग जाते हैं अच्छे से, तो आप 30 डेज में भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइज, अब क्या करें, मैंने आप लोगों के लिए
यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपके लिए कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स बनाए हैं। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी जरूरी है, बिकॉज आपको पता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको उसी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप हर चीज कवर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वर्क करके बच्चे वन मंथ में भी क्लियर कर लेते हैं, और मैंने कई केस ऐसे भी देखे हैं जिन बच्चों ने 20 दिन की पढ़ाई करके भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो गाइज, वो कैसे करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाना है उन चीजों को पढ़ो, आप उन चीजों को उस तरीके से पढ़ो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये कंप्लीटली टारगेटेड बेस्ड स्टडी मानी जाती है। सो गाइज, मैंने आपके लिए यहाँ पर यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर वन एंड कॉमर्स। अगर आप पेपर वन या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स आपका पेपर टू है, कॉमर्स या पेपर वन तो कॉमन है, सभी का होता है पेपर वन, और सेकंड कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल। तो ये कंप्लीटली यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। इसमें हर एक टॉपिक का अच्छे से एक्सप्लेनेशन गिवन है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन गिवन है। जैसे बुक होती है उस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज बुक में क्या होता है, बहुत ज्यादा बुक कॉम्प्रिहेंसिव होती है। जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार वो टॉपिक ही मिसिंग होते हैं, आपके बुक में गिवन नहीं होते हैं, और कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो टॉपिक उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। तो बुक जो होती है मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी बुक्स, बट वो आपके इनफ नहीं है, बिकॉज हर एक बच्चा उन बुक्स को फॉलो कर रहा है, और वो कम्प्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आप खुद देख लो उन बुक्स को पढ़ के, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस लेवल का जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो गाइज, ये जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं। हर एक टॉपिक को उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सप्लेन किया गया है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लगा दिए हैं, ऑल 10 यूनिट जो है पेपर वन की, इस ऑल 10 यूनिट्स के आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। तो पेपर वन का जो यहाँ पर कंप्लीट बंडल आपको मिल जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पेपर वन का। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो गाइज डेफिनेटली आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये पेपर वन के जो नोट्स हैं इनके कुछ चार्जेस हैं, बिकॉज इनको बनाने में काफी टाइम लगा है, अराउंड मोर देन 4 मंथ लगे नोट्स को बनाने में, प्रिपेयर करने में, तो यहाँ पर काफी टाइम लगा है। तो नोट्स को चार्जेस हैं, आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, गाइज व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, बिकॉज कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा, डिटेल के साथ में आपको, अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, डेमो एक बार देख लेना, इसके अलावा कंप्लीट डिटेल में शेयर कर दूंगा, आप खुद से एक बार डिसाइड कर लेना कि हाँ आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज, कॉमर्स के भी नोट्स अवेलेबल, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये नोट्स कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम टारगेटेड का मतलब है कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। गाइज, कई बार आपने देखा होगा बच्चे स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, और 2-3 अटेम्प्ट ऐसे अपने खराब कर लेते हैं, 2-3 अटेम्प्ट देके बैठे होते हैं, लेकिन नेट ज्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप टारगेटेड बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो। टारगेटेड बेस्ड स्टडी का मतलब है कि आप इन चीजों पर टारगेट कर रहे हो, जो आपका मेन टारगेट है, जो एग्जाम में पूछा जाना है, आप कंप्लीटली उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो इन नोट्स में इन चीजों को ध्यान में रखकर के नोट्स बनाए गए हैं, ताकि आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी कर सकें। गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी को इस बारे में पता चले। एंड गाइज, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को रिकमेंड करो, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करें, हमें मोटिवेशन मिले, और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करें। सो गाइज, आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, तो कॉमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।